सच साहस सरोकार। बेखौफ अपराधियों ने दिया लूट की घटना को अंजाम, व्यवसायी से 5 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। जिलाधिकारी ने किया धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन, मौके पर पंचायत के कई किसान उपस्थित। मां लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन, लोगों ने किया नम आंखों से मां लक्ष्मी की विदाई। चोरों की प्रशासन को खुली चुनौती, एक साथ चुराई चोरों ने 2 बाइक। नदी से हुआ युवक का शव बरामद, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं बिहार की खबरों के साथ। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज की रेल पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नरकटियागंज के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के सुलभ शौचालय के पास से रेल अलग अलग ब्रांडों के 23 पीस अंग्रेजी शराब बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने माफियाओं को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। कैमूर में दुर्गावती नदी में एक शव को बरामद किया गया है, जो रामगढ़ थाना क्षेत्र के तरैथा गांव निवासी अभिषेक सिंह का बताया जा रहा है। तो उधर घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि छठ पर्व के ही दिन घाट पर अचानक पैर फिसलने से गहरे पानी में जाने से डूबकर उसकी मौत हो गई, जिसके बाद काफी खोजबीन करने पर नदी से शव को बरामद किया गया और शव को पुलिस व परिजन की मदद से पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घाट गए थे, कहिया गए थे, सोमवार को, और पैर फिसल गया, घटना हो गया। नदी या तालाब है? नदी। कौन सा नदी थी? दुर्गावती। ये कब गए थे घर से? घर से तो शाम गए थे, और रात को वहाँ पर प्रोग्राम था, मतलब लाइट बत्ती था, टेंट वेंट गाड़े थे, वहीं पर सब लोग थे, और सुबह मतलब कि जब घाट के समीप गए, हाँ समीप गए, तो वहीं पर पैर फिसल गया। मोतिहारी में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर डॉक्टर राधा कृष्ण सभा भवन के पास से मत्स्य विभाग की ट्रेनिंग के दौरान 2 शिक्षकों की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिसके बाद दोनों शिक्षक सकते में आ गए। तो वहीं जिला प्रशासन की नाक के नीचे से एक साथ 2-2 बाइक चुरा कर चोरों ने प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है। हम लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, उसमें बाइक लगा दिए और ट्रेनिंग में जैसे ही अंदर गए और आधा घंटे 1-2 घंटे के बाद हम लोग बाहर निकले, देखे कि बाइक है कि नहीं, जब तक में बाइक नहीं था। हम लोग राधा कृष्ण भवन में मत्स्य विभाग के चुनाव कराने हेतु प्रशिक्षण लेने आए थे। आज हम लोग को बुलाया गया था प्रशिक्षण देने के लिए। हम लोग यहाँ 12:15 में पहुँचे, प्रशिक्षण स्थल में भीतर गए, 1:15 में जब समाप्त हुई बाहर निकले तो हमारी अपाची काले रंग की मोटरसाइकिल थी वो चोरी हो गई है। साथ ही हमारे एक साथी का स्प्लेंडर प्लस है वो भी चोरी हो गई। 2-2 बाइक यहाँ से चोरी हो गई है। यहाँ पर कोई पर सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था लोग। साथ ही जब यहाँ पर हम लोग बाहर पर आकर के निकल करके बहुत सारा चीज़ें करना चाहे, लेकिन कोई उसका रिक्स लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। खबर मोतिहारी से है, जहां के पूर्वी चंपारण के चकिया के बंझूला NH-28 के चिमनी के पास अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया और लहना वसूल कर लौट रहे रेडीमेड व्यवसायी से 5 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मैं अपने दुकान के कलेक्शन के लिए मधुबन गया था। मधुबन से चोरमा होते हुए, जितौरा होते हुए मैं आ रहा था चकिया। नरहर पकड़ी पुल के पास एक बाइक मुझसे आगे गई, जिसमें पीछे बैठे हुआ व्यक्ति हाथ में 2 फीट का बांस लगभग लिया हुआ था। मुझे कुछ संदेह हुआ, लेकिन मैं अपने स्पीड को कुछ कम कर लिया। तब तक एक बाइक मेरे आगे रुका, और आगे रुका तो मतलब वो पिस्टल निकाल लिया,
और बोला भागो, तो मैं शांत हो गया। तब तक वो आदमी मेरे पॉकेट से पैसा मोबाइल निकाला, तब तक पीछे फिर एक और बाइक रुका, मुझे लगा कोई यात्री है वो मेरा मदद करना चाहता है, मैं उसकी ओर देखा तो फिर उसने पिस्टल तान दिया, मैं कुछ नहीं कर सका, उसने मेरा चाबी निकाला और चाबी फेंक दिया, बाइक गिरा दिया, बोला भागो यहाँ से और लेके भाग गया। खबर मुजफ्फरपुर से है जहां के जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंचायत के सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जिला अधिकारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कुढ़नी प्रखंड के रघुनाथपुर मधुबन पंचायत में धान अधिप्राप्ति को लेकर धान केंद्र क्रिय का उद्घाटन किया गया है, जहाँ किसान अपने धान की उपज को इस क्रिय केंद्र पर दे सकते हैं। आज खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की शुरुआत रघुनाथपुर मधुबन पंचायत के इस पैक्स से हम लोगों ने की है और काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोगों ने यहाँ पर आज नमी को भी चेक किया, नमी भी 16% से सब जगह कम है। तो धान की उत्पादकता भी मैं बताऊँ तो मुजफ्फरपुर जिले में काफ़ी बेहतर रही है। तो हम लोग जो लक्ष्य है पिछले साल के लक्ष्य से ज़्यादा बढ़ा करके हम लोग इस पर कोशिश करने का प्रयास करेंगे और सरकार के द्वारा 2040 रुपये साधारण धान का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है और हम लोग यह पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार के निर्देशानुसार 48 घंटे के भीतर किसानों को उनके द्वारा जो धान की प्राप्ति के लिए धान दिया जाएगा उसके संतुलित राशि जो उन्हें प्राप्त होनी है 48 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाए। खबर नालंदा से है जहां जिले में एक बार फिर बालाओं का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पैठना गांव का है जहां देर रात बार बाला के डांस का कार्यक्रम चल रहा था और पैठना गांव के मुखिया पति और उनके भतीजे ने इस डांस का लुफ्त उठाते हुए पैसे भी लुटाया। बता दें जिले में लगातार ऐसा मामला उजागर हो रहा है लेकिन पुलिस प्रशासन खामोश है। वहीं इस संबंध में वेना थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस बात की जानकारी होते ही मामले की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर नालंदा से है जहां बिहार शरीफ के विभिन्न इलाकों में नर्म आंखों से मां लक्ष्मी की प्रतिमा की विदाई की गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ी और इस दौरान लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला और विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। नालंदा के गोयठाडीह गांव स्थित तालाब में पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई, पर युवक की मौत तालाब में डूबने से हुई है या फिर किसी ने उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है युवक 3 दिनों से लापता था, परिजन काफी खोजबीन कर रहे थे जिसका शव नदी में मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पहले अरब के बहराया वो घर से, अब फिर आपस घर नहीं आए तो कैसे क्या हुआ? और डूब के मर गया, क्या हुआ जब तो कहां से लाश कहां से मिले? वो तलाइया में मिला। कौन तालाब में? हसन सिंह के तालाब। कौन गांव के तालाब है? गोयठाडीह के तालाब है। इसका घर कहां था? भोला नगर। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।